आज इस प्रेस ब्रीफिंग में उपस्थित हमारे साथ सूरज सहदेव जी और प्रेस के आप बंधुओं का स्वागत है। साथियों, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्टी ने जो घोषणा किया था कि 7 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक इस राज्य सरकार के खिलाफ, हेमंत सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन जो प्रखंड मुख्यालय पर, राज्य के 263 प्रखंड मुख्यालयों पर जो प्रदर्शन की शुरुआत आज 7 से लेकर 13 तक जो पार्टी ने घोषणा की थी, आज उसकी शुरुआत हुई। राज्य में आज 10 जिलों में, राज्य के 10 जिलों में आज 12 प्रखंडों में, राज्य के 10 जिले में के 12 प्रखंडों में आज कार्यकर्ता जनता के मिलकर के, जनता भी और कार्यकर्ता भी दोनों, जो इस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है, उस जनाक्रोश आज जो है मंडलों में जहां प्रदर्शन था वो दिखा। और इस प्रदर्शन में आज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, पार्टी के विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, पार्टी के सांसद बीडी राम जी, पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल जी, मनीष जायसवाल जी और साथ में समरी लाल जी और किशुन दास जी, ये 4 विधायक, सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दल के नेता बाबूलाल जी, आज विभिन्न प्रखंडों में ये सारे लोग उपस्थित थे। जनता में जो आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्टी ने जो तय किया था, वह आक्रोश आज जनता का प्रखंडों पर दिखा। जहां प्रदर्शन था वहां दिखा। यह सरकार, हेमंत जी की सरकार जब बनी थी तो यह सरकार बड़ी बड़ी वादा करके आई थी, और वो वादा कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, किसानों को 2 लाख तक ऋण माफ करेंगे, हम ग्रेजुएट अगर नौकरी नहीं दे पाए बेरोजगारों को 5 लाख प्रत्येक साल, तो ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 भत्ता देंगे। ये सारे वादे उनके फेल हो गए। सरकार जो है आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसके क्षेत्र में एक कदम आगे नहीं बढ़ी। विकास के सारे काम इस सरकार में ठप रहे, बल्कि केंद्र की जो योजनाएं थी उसमें भी गति धीमी है और कई तो बंद है। और साथ साथ यह सरकार जो है ऊपर से विधि व्यवस्था, जो यह सरकार की जो हालत है, जो विधि व्यवस्था का जो स्थिति है, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज अखबारों में भी आपने पढ़ा, मैं दोहराना नहीं चाहता, कई बार इसको लेकर के हमारे नेताओं ने प्रेस किया है, प्रेस के माध्यम से आपको बताया है कि किस तरह से विधि व्यवस्था का यहाँ हालत है, क्या पोजीशन है। 1.5 लाख से ऊपर जो है आपराधिक घटनाएं घटी है इनके सरकार में, और महिलाओं पर अत्याचार के तो कई जो है कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। तो यह सरकार विधि व्यवस्था में भी फेल रही, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, और भ्रष्टाचार तो इस सरकार को कहिए मत। और इन सब विषयों को लेकर के जो ये प्रदर्शन था, यह भ्रष्टाचार यह मुख्य मुद्दा था। और इसके साथ साथ, और ये भ्रष्टाचार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो राज्य भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से बह रही है, सरकार में बैठे हुए लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके माध्यम से भ्रष्टाचार संपोषित हो रहा है पूरे राज्य में, आप आए दिन देख रहे हैं। और कई जांच एजेंसियां उसकी जांच भी कर रही है, और सब लोग, कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल जाने के रास्ते पे हैं। तो इन सब विषयों को लेकर के यह सरकार जो है, हेमंत जी की सरकार, लगभग 3 साल हो गए, लेकिन यह सरकार जिस तरह से पूरी नाकाम साबित हुई है, उसके खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन जो शुरू हुआ है, उसमें आज जो है 10 जिले के 12 प्रखंडों में आज प्रदर्शन हुआ। जनता और कार्यकर्ता के सहयोग से आक्रोश प्रदर्शन था, और इस प्रदर्शन में हम लोगों ने तय किया था कि प्रत्येक मुख्यालय पर कम से कम 1.5 से 2 हजार की संख्या होनी चाहिए, और वह संख्या भी कहीं पार कर गई, और 20 से 25 हजार लोग पूरे राज्य में इस प्रदर्शन में आज 12 प्रखंडों में उतरे हैं। उसी तरह चरणबद्ध कल जो है, कल 8 जिले के
12 प्रखंडों में कल प्रदर्शन होगा और इसी तरह से 263 प्रखंडों में जो है 13 तारीख तक पार्टी प्रदर्शन करेगी। तो आज के प्रदर्शन से आक्रोश सरकार के खिलाफ दिखा, जनता में जो आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ वह जो है प्रदर्शन के माध्यम से दिखा, और यही बताने के लिए मैं आप सबों को आज यहां बुलाया था। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ज्ञापन सौंपा गया है के द्वारा तमाम लोगों हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति महोदय को, जिस तरह से भेंट हो रहे हैं, जिस तरह से अनुसंधान चल रहे हैं, कहीं राज्य सरकार को उपस्थित करने का। देखिए, उन्होंने क्या पत्र दिया है इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी खुद कुर्सी संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं, यह जो है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज हाईकोर्ट से भी फैसला आया, उन्होंने कहा कि योग्य नहीं है ये जो आवंटन मामला और जो सेल कंपनियों का मामला चल रहा था, उसमें आज हाईकोर्ट का फैसला आया, उनके हित में आया, उसमें क्या? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व था और जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट को हम लोग पार्टी ने अभी देखा नहीं है, उसको पूरा अध्ययन करने के बाद उस पर पार्टी प्रतिक्रिया देगी। जी, जिस तरह से बोले मुख्यमंत्री के बाद जी का भाजपा, बंधु जी पूर्व मंत्री रहे हैं राज्य में और नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब ऐसे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने फ्रस्ट्रेशन में हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने के अलावा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के कहावत चरितार्थ करने के अलावा कुछ नहीं है। अब धरना, उनको धरना प्रदर्शन करने का उनको भी अधिकार है, और सभी पार्टियों को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का धरना प्रदर्शन के माध्यम से अधिकार है, और वो अधिकार का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। राजा अनूप सिंह ने भी कहा कि उनके जो कार्रवाई चल रही थी, वो जो षड्यंत्र बीजेपी रच रही थी, आज वो नाकाम हो गया, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो इन सब विषयों पे अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी एजेंसियां जांच कर रही है। अब वो आगे आगे बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, अभी एजेंसियां जांच कर रही है, एजेंसियां का जांच जो कर रही है उसको सामने आने दीजिए, उसके बाद। सर,